बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो सेक्स क्रिया के समय में झटके लगाने के समय कामवासना के कारण जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं तथा जननेन्द्रिय को नियंत्रण में न रखने के अभाव में योनि में लिंग को डालकर तुरंत ही घर्षण प्रारंभ कर देते हैं और जल्दी जल्दी झटके लगाना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में वे उत्तेजना के कारण अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और 3-4 झटके लगाने के बाद ही स्खलित हो जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लिंग को योनि में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही झटके लगाना शुरू नहीं करना चाहिए। सेक्स क्रिया में जब लिंग को योनि में प्रवेश कराते हैं तो लगभग 10-15 सेकंड तक झटके नहीं लगाना चाहिए, बल्कि लिंग को योनि में चुपचाप पड़े रहने देना चाहिए और जब उत्तेजना का वेग कम पड़ जाए तब धीरे धीरे घर्षण शुरू करना चाहिए। उत्तेजनाएं यदि अधिक बढ़ने लगे तो झटके लगाना बंद करके लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके बाद 5-10 सेकंड आराम करना चाहिए। आराम करने के बाद फिर से झटके लगा कर धीरे धीरे घर्षण शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार से सेक्स क्रिया करने से पुरुष को यह महसूस होगा कि इस बार उत्तेजना कुछ हद तक काबू में आ गई है। जैसे ही आपका स्खलन होने लगे वैसे ही लिंग को योनि से बाहर निकाल ले, इससे स्खलन रुक जाएगा। इस प्रकार से संभोग करते समय प्रत्येक बार आराम करने के बाद उत्तेजना पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा और 4-5 बार इस प्रकार से संभोग करने से स्खलन के समय पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। जब उत्तेजना पर नियंत्रण हो जाए तो फिर झटके को गति को बढ़ाया जा सकता है और फिर एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जिसमें तेज धक्के लगाने पर भी स्खलन नहीं होगा। इस विधि से सेक्स क्रिया 15 मिनट से 1 घंटे तक की जा सकती है। घर्षण रोकने की क्रिया को अधिक से अधिक 3-4 बार ही रोकना चाहिए। यदि इससे अधिक बार रोका गया तो स्खलन होने में बहुत अधिक रुकावट उत्पन्न हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि स्खलन कैसे हो, वीर्य स्खलन बहुत देर तक रुक जाना भी कष्टदायक होता है क्योंकि बार बार वीर्य स्खलन में रुकावट उत्पन्न होने से स्खलन केंद्र पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और पुरुष स्खलन के अभाव में पसीने पसीने से तर होकर बेचैन होने लगता है। ऐसा होने से पुरुष को वह सेक्स का सुख भी नहीं मिल पाता जो कि उसे मिलना चाहिए। इस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी पहले ही स्खलित हो जाए। घर्षण करने पर पत्नी को बहुत अधिक कष्ट होता है और खुद भी स्खलित न होने के कारण मानसिक तनाव तथा शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।